नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्टन टुडे। मैं हूं राकेश। आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर घमासान, तो एबीवीपी छात्रों ने मर्यादा की तार तार, प्राचार्य की कुर्सी को हवा में उछाला। जल्दी शहर की सड़कों पर दौड़ेगी सिटी बसें। कोटा सिटी बस लिमिटेड की बैठक में हुआ फैसला, कंपनी को दी जाएगी 3 करोड़ रुपए की राशि। शिक्षक की मारपीट से परेशान छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी। मथुरा में मिला छात्र, सवाई माधोपुर का है मामला। कोटा के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 2 दिनों से विवाद का अखाड़ा बना हुआ है। विवाद के कारण शिक्षा का मंदिर कॉमर्स कॉलेज शर्मसार हो गया है। आदर्शों की बड़ी दुहाई देने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से चुनकर राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए पुलकित गहलोत और एबीवीपी के साथी छात्र कार्यकर्ताओं ने सारी मर्यादाएं तार तार कर दी है। कॉलेज प्रशासन पर छात्र संघ अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए इन छात्रों ने कॉलेज में जमकर उपद्रव मचाया। छात्रों ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक गजब का तांडव मचाया। महाविद्यालय में पढ़ने आए छात्रों ने दहशतगर्दी फैलाई, छात्र व्याख्याताओं से गुंडागर्दी पर उतर आए। कॉलेज प्राचार्य कृष्णा रानी कॉलेज में नहीं मिली तो उनके गैर मौजूदगी में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उपद्रवी बने एबीपी के इन छात्र कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के चैंबर में घुसकर कब्जा जमकर कुर्सी को खिलौना बना डाला। छात्र संघ अध्यक्ष पुलकित गहलोत प्राचार्य की कुर्सी को खींचते हुए कॉलेज परिसर में ले आए और कुर्सी को हवा में लहरा दिया। एबीवीपी आदर्शों की सीख देने का दावा करती है, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष ने यहां एबीवीपी के सभी दावों को हवा में उड़ा दिया। जल्द ही एक बार फिर सिटी बसें सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आएंगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कोटा सिटी बस लिमिटेड को कंपनी 3 करोड़ रुपए की राशि रहेगी, तो साथ ही 1.5 करोड़ की राशि नगर निगम व 1.5 करोड़ रुपए यूआईटी भुगतेगी, जिसके बाद 2 माह से बंद पड़ा सिटी बसों का संचालन फिर से सुचारू होगा। दरअसल भुगतान नहीं होने के कारण सिटी बसों को संचालित करने वाली कंपनी ने बंद कर दिया था। इसके बाद से सिटी बस है कुन्हाड़ी डिपो पर खड़ी थी। बसों को चलाने की मांग को लेकर शहरवासी मांग कर रहे थे, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर बसों को चलाने के निर्देश दिए हैं। बस संविदक को भी जो है इसमें मीटिंग में बुलाया गया था, उनसे बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि करीबन 5-5.5 करोड़ रुपया उनका कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड पे बाकी है, और ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बसें तो चालू कीजिए, पेमेंट आपका आएगा तो हम आपको देंगे, परंतु उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि उन पे 2 करोड़ रुपये का GST और 2 करोड़ रुपये के डीजल का पैसा उनका बाकी है और डीजल के अभाव में वो बसें चला नहीं सकते। तो हमने इंटरिम रूप से नगर निगम और UIT दोनों से 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए हैं कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड में, और अभी 3 करोड़ रुपए एक बार हम संवेदक को देंगे, और उसके बाद संवेदक ने एग्री किया है कि वो सोमवार से जो है बसें। अत्यधिक पढ़ाई का दबाव और अध्यापकों का खराब व्यवहार विद्यार्थियों के लिए किस कदर घातक हो रहा है, इसका प्रमाण सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में देखने को मिला, जहां पर पढ़ाई के अत्यधिक दबाव व अध्यापकों के दुर्व्यवहार के चलते एक छात्र पर जान की बनाई और छात्र ने रस डाली खुद के अपहरण की साजिश। गुरुकुल विद्यालय की 10वीं के छात्र पर पढ़ाई का दबाव और अध्यापकों का खराब व्यवहार इस कदर हावी हुआ कि मानसिक रूप से परेशान छात्र स्कूल जाने के बजाय खुद के अपहरण की कहानी बनाकर स्कूल के बजाय मथुरा पहुंच गया, जहां उसने एक दिन और एक रात स्टेशन पर ही गुजारी। लेकिन छात्र की किस्मत अच्छी थी कि वह पुलिस के हाथ लग गया और पुलिस के प्रयासों से सकुशल वापस घर पहुंच सका। इस दौरान बच्चे ने पुलिस को भी खुद के अपहरण की झूठी कहानी बताई। बालक पढ़ने में बेहद कमजोर है। छात्र का आरोप है कि अध्यापक उस पर पढ़ाई का दबाव बनाते हैं और सवालों का जवाब नहीं देने पर उससे मारपीट तक की जाती है। आए दिन की जा रही मारपीट के डर से वह स्कूल नहीं गया और स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठकर मथुरा चला गया। क्या बात हुई थी जो तेरे को, मतलब क्या यहाँ से गाना पड़ा था? मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मैथ में क्या बोलते हैं, मैथ वाले सर यूँ कहते हैं तुझे तो इतना मारूंगा तू फेल हो, अब यूँ कहते तू हो क्या बता फेल,
यार से मुझे आज नौकरी से निकाल लिया जाए तुझे तो बहुत बुरा मारूंगा। ओके तो फिट इंग्लिश वाले सर से है ना वो इसको तो मार दो इसकी ये तो कचरा है। तो आप बुला के ला फोन को बुला के लाए मम्मी पापा को। क्या नाम है तेरा टीचर का? किसने कही थी? विक्रम वर्मा। कमजोर हूँ मैं इसलिए पढ़ाई में कमजोर है इसलिए तू चला गया था यहाँ से मथुरा। कहीं में बैठ के गया था? ट्रेन में। कौन सी गाड़ी से गया था? उधर जब बच्चे के पिता विद्यालय में फोन कर छात्र के बारे में पूछते तो विद्यालय प्रबंधन ने गुमराह करते हुए छात्र के स्कूल में ही होने की बात अभिभावकों से कही। हकीकत का पता बच्चे के पिता को तब लगा जब अगले दिन विद्यालय प्रबंधन ने विद्यालय में नहीं आने की सही बात कही। इसके पश्चात परिजन उसे लगातार ढूंढते रहे। पुलिस द्वारा बालक का मथुरा में होने का पता लगा तब परिजन बच्चे को लेने मथुरा पहुंचे और बच्चे को गंगापुर लेकर आए। पुत्र को पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। बच्चा सुबह यहाँ से 7:15 बजे घर से निकल गया था। उसके बाद में हायर सेकेंडरी का जो दूसरे नंबर का गेट है ना वहाँ पे इसको क्या किसी ने वहाँ पे गाड़ी में इसको पीछे से पकड़ के और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद में फिर उसको क्या पता कुछ डाला उसके ऊपर क्या करा फिर उसके बाद में उसको कोई होश नहीं है। फिर उसके बाद में फिर सब मैंने शाम को 7 बजे फिर इसकी खोजबीन चालू करी। कौन सी क्लास का छात्र है? 10th का। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे तलाश चालू करी। वो मेले में जाके देखा आधा पौन घंटा यहाँ ढूंढने के बाद में 8 बजे के आसपास मेरे पास से मथुरा से फोन आया। फिर थाने से क्या आया था कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ। बोला गंगापुर कहाँ? मैं गंगापुर सिटी में जिला सवाई माधोपुर राजस्थान में। बोला मथुरा से बोल रहे हैं थाने से और आपका बच्चा कहाँ है? मैंने बच्चे के साथ में बच्चा गुम हो गया उसको तलाश कर रहे हैं हम तो यहाँ लोग आपका बच्चा है थाने में जो। फिर हम यहाँ से 10:30 बजे भरतपुर के लिए वहाँ पे मथुरा के लिए रवाना हो गए। पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से भी की है। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर समूची असलियत सामने आने के बावजूद भी अभी तक लिखित में परिवाद आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अगर ये बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे यहाँ परिवाद देते हैं हम उसकी है जो जांच कराएंगे। RTE एक्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक 2009 है उसके तहत बच्चों को स्कूल में प्रताड़ित करना फिजिकली और मेंटली पनिशमेंट करना प्रोहिबिटेड है। किसी को बच्चे को है जो शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता तो हम उसको नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। भगवान का शुक्र है कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई अन्यथा पढ़ाई का दबाव और अध्यापकों का खराब व्यवहार के चलते एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता था। SN टुडे के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चित विनीत हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5 आरोपियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। अप्रैल 2016 में आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते विनीत उर्फ बाबू की धारदार हथियारों से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में महावीरनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने डंगवाड़ी बॉम्बे योजना निवासी शाहरुख फरीद शानू शाहरुख व आरिफ को आजीवन कारावास व 50,000 के जुर्माने से दंडित किया है। शिक्षकों को आपने स्कूलों में पढ़ाते तो देखा ही होगा लेकिन सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों के नागिन डांस का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सांगो क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। जहां पर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ मनोरंजन का भी एक पार्ट होता है लेकिन शिक्षक तक मनोरंजन कर रहे हैं यह वीडियो साफ तौर से जाहिर हो रहा है। मर्यादा में रहकर यदि कार्य किया जाए तो वह अच्छा है लेकिन यहाँ पर सरकारी शिक्षिका और शिक्षक ने पूरी मर्यादा ही ताक में रख दी और नागिन डांस पर जमकर लटके झटके लगाए। हालांकि STN इसकी पुष्टि नहीं करता है लेकिन शिक्षकों द्वारा इस तरह के नृत्य पेश करना गरिमा पर सवाल या निशान खड़े करते हैं। कोचिंग नगरी में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। गोपाल विहार के गंदे नाले में कचरे के ढेर में एक मानव भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। मानव भ्रूण को जानवरों ने शरीर के कई हिस्सों को नोच डाला। मौके पर पहुंची बोरखेड़ा थाना पुलिस ने भ्रूण को MBS अस्पताल की मोर्चर में रखवाया। वहीं पिछले दिनों रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में भी नहर में भ्रूण मिला था। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कोटा में एक बार फिर चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोटा में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। एमबीएस सहित तीनों बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और 3 दिसंबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। सरकार द्वारा हॉस्टल की फीस में बढ़ोतरी व डॉक्टरों की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर कोटा में भी रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 3 दिसंबर तक मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन और कार्य का बहिष्कार की चेतावनी दी है। रेजिडेंट ने पूर्व में भी आंदोलन करके प्रशासन को चेताया था। युवतियों से शादी का झांसा देकर ठगी करने के आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर सौंप दिया गया। गौरतलब है कि महावीर नगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवतियों से 25 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के अंतर राज्य गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। शादी के नाम पर युवतियों को अपने मोह जाल में फांसता है और उनसे रुपयों की ठगी करता है। फरियादी गरिमा राठौर ने भारत मैट्रिमोनियल साइट पर अखिलेश गुर्जर नाम के व्यक्ति से संपर्क किया था। दोनों में काफी वार्ता हुई। इस दौरान अखिलेश द्वारा शादी का झांसा देकर गाड़ी दिलाने के नाम पर फरियादी से 25 लाख रुपए का ऑनलाइन लोन उठा लिया। जब फरियादी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की घटना का पता चला तो उसने महावीर नगर थाने में धारा 420-406 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अखिलेश गुर्जर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया और कोटा लेकर आए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुलजिमपुर में भी इस तरह की महिलाओं के साथ शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है। शादी करने के नाम पर महिलाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनसे धोखाधड़ी करता था। 13/10/2019 को फरियादियों ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैट्रिमोनियल साइट पर एक व्यक्ति मेरे साथ चीटिंग करके और धोखाधड़ी करके 25 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट से ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से निकाल लिए। तब 30 की अनुसंधान से ये आया कि अखिलेश गुर्जर नाम का व्यक्ति है जो इंदौर भोपाल का रहने वाला है एमपी का, वो मैट्रिमोनियल साइट पे कई लड़कियों के साथ चीटिंग करता है, उनसे मेल मिलाप करता है, चैट करता है, चैट करके फिर मिलता है, मिलकर वो उनके झांसे में लेता है किसी लड़की को और उसके साथ उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसी से उसको गाड़ी का लोन दिलाने के नाम पर और अन्य किसी भी प्रकार का लोन दिलाने के नाम पे उसको बैंक से लोन दिलवाता है। लोन दिलवा के फिर उस जो अकाउंट अमाउंट आती है उसको नेट बैंकिंग के थ्रू अपने खाते में ट्रांसफर करवा के चीटिंग। कोटा शहर के जेडीबी आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज में छात्रा संघ अध्यक्ष प्रेरणा जायसवाल के नेतृत्व में छात्राओं ने छात्र संघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह करवाने और समारोह में अपने पसंद के अतिथियों को बुलवाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा बरपाया। अध्यक्ष ने कॉलेज प्रशासन पर शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए साथ ही छात्राओं के साथ पहले हंगामा करते हुए कॉलेज का मुख्य गेट बंद किया। छात्राएं गेट पर चढ़ गई और यहां जमकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यहां के बाद अपनी मांगे मनवाने के लिए छात्रा संघ अध्यक्ष प्रेरणा जायसवाल के नेतृत्व में छात्राएं कॉलेज प्राचार्य से अपनी मांगे मनवाने का दबाव बनाने के लिए प्राचार्य कक्ष में पहुंची, जहां कक्ष में प्राचार्य नहीं मिली। छात्राओं ने उप प्राचार्य का घेराव किया और कॉलेज प्रशासन को खुली चेतावनी दी। अगर कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाया तो छात्रों के पसंद के अतिथियों को नहीं बुलवाया गया तो छात्राएं कॉलेज में धरना प्रदर्शन जारी रखेंगी। और इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन का रवैया नहीं बदला तो छात्रा संघ अध्यक्ष और कार्यकारिणी अपने पसंद के अतिथियों को कॉलेज परिसर में लेकर आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह करवाएंगी। छात्र संघ अध्यक्ष जायसवाल ने कॉलेज प्रशासन पर एक नेता विशेष के दबाव में शपथ ग्रहण समारोह नहीं करने का आरोप चढ़ा है। की सहमति से हम लोगों के क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने जो नाम दिए थे उन लोगों के लिए इन्होंने मना कर दिया था। कल दोनों की सहमति से कि संबंध नहीं बिगड़े टीचर्स और हमारे, इस कारण एक नाम डिसाइड हुआ था, लेकिन उनके लिए इन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद जब हम जिस संगठन से हम खड़े एबीवीपी से, उनके ही लोगों को ही नहीं बुलाना चाहते, जिन्होंने हमारा साथ दिया है उनको नहीं बुलाना चाहते। ये तो छात्राओं का हनन हो रहा है, शपथ ग्रहण हमारा है या कॉलेज वालों का। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दी ने अपना एहसास कराना शुरू कर दिया है। कोटा में भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे जिसके चलते मौसम सर्द हो गया। लोगों ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लोगों ने अलाव जलाकर भी ठंड से राहत पाने की कोशिश की। कोटड़ी में मजदूरी के लिए आने वाले लोग अलाव चलाकर ठंड से बचने की जुगत करते दिखे। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सवाईमाधोपुर जयपुर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण की जांच को लेकर CRS RK शर्मा व
जयपुर डीआरएम मंजुषा जैन सवाईमाधोपुर पहुंची, जहां उन्होंने रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर विद्युतीकरण का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इन दिनों जयपुर से सवाईमाधोपुर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसके चलते रेलवे अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। इस दौरान चौथ का बरवाड़ा सरपंच शीतल पहाड़िया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही फुट ओवर ब्रिज तथा प्लेटफॉर्म के विस्तार की मांग की, जिस पर डीआरएम ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। समय कब तक इनका समाधान होगा? एक तो स्टेशन पे फुट ओवर ब्रिज नहीं था, वो बन रहा है, वो बीच में ठेकेदार के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाने से काम रुक गया था, अब नया ठेका दे दिया गया है और 6 महीने के अंदर वो बनके तैयार होकर चालू हो जाएगा। दूसरी इन्होंने समस्या बताई है कि जब इनकी ट्रेन शाम को रुकती है तो अंधेरा रहता है, लाइट का इंतजाम हम लोग कुछ कर देंगे कि जहां तक ट्रेन लगती है यहां पर वहां रोशनी रहे। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में प्रशासन द्वारा मंदिर माफी की करोड़ों की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। एसडीएम विजेंद्र मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने जयपुर रोड पर मंदिर माफी की भूमि पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी की सहायता से अवैध रूप से बनाए गए पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया। अतिक्रमण द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से पक्के निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था। अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान तहसीलदार डिप्टी सहित भारी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। यहाँ जयपुर रोड पर मंदिर माफी की भूमि थी, जिसमें अतिक्रमण की शिकायत आम लोगों के द्वारा की गई थी, उसमें आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी साहब और तहसीलदार जी, पूरा पुलिस प्रशासन, नगरपालिका सारे हैं और मंदिर माफी की ऐसी सभी भूमियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको खाली कराया जाएगा और इसके अलावा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है उसमें इसी प्रकार की सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बारां जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर विभाग अलर्ट हो गया है। अधिकारियों की ओर से स्कूलों में नियमित शिक्षण में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों विभाग की ओर से किए गए फेरबदल से कई संस्था प्रधान व व्याख्याताओं का तबादला जिले व जिले के दूसरे भागों में तबादला हुआ है। तबादलों के बाद अन्य जिलों में 12 में से आए कई प्रधानाचार्य व व्याख्याताओं ने तबादला लिस्ट में आवंटित स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। विभाग की ओर से ऐसे प्रधानाचार्य व व्याख्याताओं को चिन्हित कर सभी सीबीओ के माध्यम से नोटिस भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत युवा मामले एवं खेल विभाग तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में जिला प्रशासन एवं खेल विभाग सवाईमाधोपुर द्वारा जिला स्तरीय खेल चयन स्पर्धा के दूसरे दिन शुक्रवार को खो खो, बैडमिंटन तथा कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन कमेटी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया गया, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कल तीसरे दिन खेल चयन स्पर्धा में कबड्डी, जूडो व एथलेटिक्स की खेल स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। आज सबसे पहले अभी खो खो शुरू हुई है बॉयज एंड गर्ल्स, उसके बाद में बैडमिंटन की प्रतियोगिता, जो इंडोर नया इंडोर हॉल है उसमें बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है और बाहर कुश्ती अखाड़े बनाया गया है, उसमें कुश्ती की केवल लड़कों के कुश्ती की सभी वेट की होगी और ये चयन समिति द्वारा इनके चयन किया जाएगा आज वाली। और जो कल प्रतियोगिता होगी, कल इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि उसमें एथलेटिक्स है और कबड्डी है और जूडो है, इसकी प्रतियोगिता कल सुबह होगी 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो ये थी अब तक की विशेष खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर घमासान, तो एबीवीपी छात्रों ने मर्यादा की तार तार, प्राचार्य की कुर्सी को हवा में उछाला। जल्दी शहर की सड़कों पर दौड़ेगी सिटी बसें, कोटा सिटी बस लिमिटेड की बैठक में हुआ फैसला, कंपनी को दी जाएगी 3 करोड़ रुपए की राशि। शिक्षक की मारपीट से परेशान छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी, मथुरा में मिला छात्र, सवाईमाधोपुर का है मामला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। राकेश को, इस एंटरटेनमेंट कोर्स से आप सबको नमस्कार।